प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्यवाही से नाराज हाई कोर्ट बार। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को झुंसी एरिया के अंदावा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पीडीए ने इस दौरान 11 दुकानों को ध्वस्त करा दिया। ये दुकानें हाई कोर्ट के अधिवक्ता की थी तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर सीधा विरोध दर्ज करा दिया है। बार के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने प्राधिकरण की कार्यवाही को गलत बताते हुए पीडीए वीसी अरविंद चौहान और जोनल ऑफिसर संजीव उपाध्याय पर पक्षपात का आरोप लगाया है। अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कटका के रहने वाले अधिवक्ता अभिषेक यादव हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अंदावा मोड़ झुंसी पर सड़क के किनारे सैकड़ों वर्ष पुरानी आबादी की जमीन पर मकान और दुकान का निर्माण करा रखा है। कुछ दुकानें किराए पर भी दे रखी हैं। इसी निर्माण पर आज पीडीए ने बुलडोजर चलवा दिया। अध्यक्ष का आरोप है कि इससे लगे एरिया में कतारबद्ध तरीके से अस्पताल, होटल एवं दुकानें बनी हैं। यहां पीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की जिससे अधिवक्ता समाज आहत है। दुकान के बगल में स्थित अस्पताल, होटल मालिकों तथा दुकानदारों से मोटी रकम लेकर उनकी दुकानों को ध्वस्त नहीं किया गया। उनका कहना है कि ध्वस्तीकरण का कार्य शासन स्तर से प्रस्तावित है तो केवल अधिवक्ता का मकान ही क्यों ध्वस्त किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि विकास प्राधिकरण की कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण भू माफियाओं, बिल्डरों, प्लाटरों, अस्पताल और होटल संचालकों से अवैध वसूली कर बदले की भावना से कार्य से कर रहा है। उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है जिन लोगों से उन्हें मोटी रकम नहीं मिली होती। इस प्रकरण पर चीफ जस्टिस की कोर्ट में याचिका संख्या 32673 2023 लंबित है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सिंह ने कहा कि उनके पास पीड़ित अधिवक्ताओं द्वारा कागजात उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें यह उल्लिखित है कि जिन लोगों से पैसा मिल जाता है उनके मकान और दुकान का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाता। कहा कि यह भी संज्ञान में आया है कि प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जहां भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है, कुछ दिनों के बाद फिर से उन स्थानों पर पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान और उनकी टीम द्वारा धन उगाही कर निर्माण कार्य कराया जाता है। उन्होंने सीएम योगी से प्रकरण को संज्ञान लेने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ भ्रष्ट अधिकारियों को प्रयागराज से हटाने की मांग की है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा अभी। यादव जी आप रुके रहिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, इंटरव्यू हो जाता हूँ। रुक जाए जी। किस तरीके से है आज और आप लोगों ने किस तरीके से अपनी बातें रखी और क्या डिसीजन हुआ? आज अधिवक्ता अभिषेक यादव जो झूसी के रहने वाले हैं, उनके मकान को 2 तारीख को पीडीए के अधिकारियों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरा दिया था। न्यायालय ने आज पुनः सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की थी। आज दोपहर 12 बजे माननीय चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई शुरू हुई। तमाम बहस होने के बाद उन्होंने विकास प्राधिकरण के जितने नोटिस दिए गए सबको अदालत में प्रस्तुत करने के लिए 2 घंटे का समय दिया। 2 बजे पुनः सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने इस पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। जब 2 तारीख को गिराया जा रहा था और 3 तारीख को माननीय मुख्य न्यायाधीश के अदालत में मुकदमा लगा हुआ था, तो पीडीए को क्या आफत आई थी? किस बिल्डर और किस प्लाटर को फायदा देने के लिए पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान और जोनल अधिकारी संजीव उपाध्याय ने इसको तत्काल गिराने का निर्णय लिया? और यह जानते हुए कि माननीय मुख्य न्यायाधीश की अदालत में यह मुकदमा कल लगा हुआ है, उसको काफ़ी गंभीरता से लिया माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने, और आज उन्होंने पुनः उपाध्यक्ष, जोनल अधिकारी और चीफ इंजीनियर से एफिडेविट फाइल करने को कहा। एक और अभी मिली है हम लोगों को अदालत के अंदर एक कागज, जिसमें मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर को शासन ने आज ही रात को वेटिंग में डाल दिया है।
मेरा मानना यह है कि अगर प्रयागराज में विकास प्राधिकरण इसी तरह की कार्य पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रही तो निश्चित रूप से उपाध्यक्ष, जोनल अधिकारी और चीफ इंजीनियर जो भी इसमें संलिप्त हैं उन्हें यहां से हटाया जाए, अन्यथा इस तरह की स्थिति को देखते हुए, अधिवक्ताओं के रोष को देखते हुए, गुस्से को देखते हुए हम लोगों को भी अगली ठोस रणनीति बनानी होगी कि केवल पैसे के लिए अधिवक्ताओं के भी घर को नहीं बख्शा जा रहा। सोचिए जरा आम जनता के साथ क्या होता होगा, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है अगर उसके साथ ऐसा होता है तो आम प्रयागराज की जनता के साथ क्या होता होगा। दो कमरे का घर बनाने जाइए, जैसे ही आपके चार ईंटें जुड़ेंगे पीडीए के अधिकारी तत्काल पहुंचेंगे और उसे सील करने और रोकने के लिए कहते हैं। मेरा सवाल यह है, मकान तो बन जाता है लेकिन पीडीए की कितनी सेवा करनी पड़ती होगी आम जनता को। यह आम जनता की आवाज है, अधिवक्ताओं की आवाज है, बंद कर दे पीडीए इस तरह की गंदी हरकत। और यह जग जाहिर है, अब इसमें किसी चीज की कोई छुपी नहीं है, लिया जा अधिकारी भ्रष्टाचार बंद कर दे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग भी मजबूर हैं इन लोगों की जांच करवाने के लिए, इंक्वायरी करवाने के लिए कि इनके पास इतने पैसे वाकई में आते कहां से हैं, इन लोगों के पास इतने पैसे कहां से आते हैं कि ये लोग धन्ना सेठ हो जाते हैं। उसका कारण यही है जो आज हुआ, एक अधिवक्ता का घर सिर्फ इसलिए गिराया गया कि बगल में खरीदी किसी ने जमीन है जिसकी लगभग 2 बीघा बताया जा रहा है, उसको एक रोड होने के बाद दूसरा रोड दिया गया ताकि उसके जमीन की वैल्यू बढ़ जाए और उसके अगल बगल तमाम बिल्डिंग, हॉस्पिटल, होटल्स, दुकानें हैं, उन्हें टच नहीं किया गया। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने सारे कागज सील कराया है, किस किस को नोटिस गई, किस किस का गिरा, सबका जवाब उन्हें देना है अपनी एफिडेविट के मार्फत। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को इसलिए समाप्त करता हूँ, यदि अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो प्रयागराज के अधिकारी जो विकास प्राधिकरण में इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाए हैं इनकी जांच कराने के लिए मजबूर हैं हम लोग और जांच कराएंगे हम लोग। इसके बाद जो निर्णय आएगा वो हम लोग देखेंगे। अगली डेट कौन सी लगी? अगली डेट 20 तारीख को नियत की गई है। अभी आगे आंदोलन जारी रहेगा। हमारा ये है कि अगर उत्पीड़न नहीं रुका और इनकी इंक्वायरी नहीं हुई, अभी चीफ इंजीनियर को वेटिंग में डाला है शासन ने, आज ही रात को शेष अधिकारियों के बारे में भी शासन निर्णय ले कि इनके साथ क्या करेगा शासन। शासन के निर्णय के बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे।